अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है आप सब? तो मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले तो आज फ्राइडे है, आप सबको जुम्मतुल मुबारक हो। तो यहाँ शेप्स चेक कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी शेप्स बनी हुई हैं। आज धूप निकलेगी तो कुछ ना कुछ वो टेक्सचर ड्राई हो जाएंगे। अच्छा, ये जो ग्रीन टेक्सचर का ना जो किया था हमने क्रम्बल 14 अगस्त में, ये जो इसके अंदर डाले हैं ये निकले ही नहीं है अंदर से। मैंने कहा ये ना सारा टेक्सचर ख़राब हो जाए, इसलिए ये लग ही पड़े हुए हैं। सोच रही हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। यहाँ देखें जी, ये टप उल्टा की है। बाकी चारकोल की रिक्वेस्ट आ रही है, चारकोल की क्रिमलिंग करने, चारकोल की प्योर चारकोल जो ये अंदर पड़ा हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा भी डैम है, एक दिन और सूख जाए तो इंशाल्लाह ताला मैं चारकोल की वीडियो बना दूंगी। मोहित आप कह रहे थे, आप कब से कह रही हैं कि मैं आपके लिए ब्लैक सैंड की वीडियो बनाऊँगी, चारकोल ही लगता है कि इसमें काफ़ी सारा मैं चारकोल ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो सभी मैं उठ जाती हूँ। अच्छा, ये चारकोल की क्रम्बलिंग इधर की थी हमने, इसकी मैंने जोड़ी थी कि चलो हम थोड़ी क्रम्बलिंग कर लेंगे यहाँ, लेकिन नहीं हुई। इधर मैं करती हूँ, धागे शागे अंदर
चले। अरे ये जो है ना, ये न्यू टेक्सचर है, इसमें ना रेड स्टोन ऐड किए हैं चारकोल में, ठीक है। इधर रख के मैं इसकी वेल्डिंग करती हूँ, वहाँ जगह नीचे इतनी है। ये ऊपर से टैक्स इतना ड्राई लग रहा है, अंदर से फुल डैम हुआ पड़ा है। सुनते हैं उसकी क्रम्बलिंग करते हैं। ये रेड टेक्सचर है, ये ग्रे जिसकी क्रम्बलिंग की थी, यहाँ खलारा है। ये गाची है, गाची की रिक्वेस्ट थी ग्रोप लोग में क्रम्बल किया करें, यहाँ इतना खलारा है। मैं सोचती हूँ गाची को वेस्ट ना करूँ, इधर पहले ही थोड़ी सी है बेचारी। इधर उधर बिखर रही है, वहाँ से क्लीन जगह होगी तो फिर इंशाल्लाह गाची, तब तक वो सारी वीडियो बन जाए। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, वो सैंडबर्ड की मैंने अभी वीडियो बनाई है, उसकी क्रम्बलिंग करते हैं थोड़ी सी। ये वाली ये थोड़ी सी वाटर में पोरिंग करके ना एक और शेप उसकी पेस्ट पोरिंग करेंगे, पहले ड्राई पोरिंग। चलो इसे बोरिंग करते हैं, बोरी बहुत है ये, ऐसे ही इसकी डिप कर लेते हैं इसमें ही देखें। ऐसे बोरिंग का अपना ही मज़ा है।
अच्छा कल कॉमर्स में पढ़ी थी उसने, कभी शेप्स भी बना लिया करें, शेप्स मेकिंग हमें दिखा दिया करें, तो चलें एक दो शेप्स बनाती हूँ मैं, ये वाली ये छोटी सी है लेकिन मेरी फेवरेट है। चलो ऐसे फिलहाल निकाल लेते हैं, यहाँ देखें ठीक है निकू सी, तो मजाइया शेप निकाल दी है क्योंकि टैक्सी थोड़ा ड्राई है, अभी इस साइड पे ना कैमरा पकड़ के मुझे बहुत उलझन होती है। बाकी मैं क्या करूँ, लोग को बस करें, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। ये न्यू मट दिखानी थी आपको लेकिन मेरे हाथ अब गंदे हैं, ये देखें कितना नाइस लग रहा है, ये थोड़ी क्रिम्बलिंग करते हैं इस टेक्सचर की। इसकी थोड़ी सी वाटर क्रीमिंग भी कर लेते हैं, पानी के पास ही पड़ा हुआ है हैं, थोड़ा हम स्टैंड उस साइड पे रखते हैं फिर क्रमलिंग करते हैं, ज़रा ढंग से हो जाएगी।
चलें जी ठीक है, हम लोग को भी यहीं पे बस करते हैं। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी लास्ट टेक्सचर की क्रमलिंग। मुझे इसकी क्रमलिंग का मज़ा आया क्योंकि ड्राई था फुल टेक्सचर। तो ओके, फिर मिलेंगे अपने गाँव में, याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।